अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 16 दिसंबर 1971 हमारी तारीख का एक तकलीफ दे स्याह दिन है। हर साल जब भी ये दिन आता है पूरा मुल्क मगमूम होता है। 2 साल पहले तक इस रोज के साथ एक ही सानहा मंसूब था, लेकिन ग्रैंड डिजाइनर्स ने, प्लानिंग करने वालों ने अब इस रोज को दोहरी अजियत का निशाना बना दिया है। पहले हम 16 दिसंबर 1971 को इस एतबार से याद करते थे कि पाकिस्तान का 54% हिस्सा, हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा, हमारे भाई हमसे दूर हो गए और मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर बांग्लादेश बन गया। ये कौमों की तारीख में एक बड़ी ट्रेजेडी होती है। जब भी मुल्क तकसीम होते हैं कौमों पर उनके असरात सदियों तक रहते हैं। बहरहाल चूंके बकौल एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान के, हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा है, और बकौल नवाबजादा नसरुल्लाह खान के, हम दायरों के असीर हैं, हम कैदी हैं, हम दायरों में सफर करते हैं। तो हमने दूसरा नतीजा भुगता और 16 दिसंबर को पिशावर एपीएस में 250 के करीब मासूम बच्चे ज़िबा किए गए। ये दोनों अलग अलग मौजूआत हैं, अलग अलग वीडियो में जिक्र करूंगा। इनको याद करेंगे, अफसोस करेंगे और अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करेंगे कि कभी अल्लाह ने इस मौका पर पहुंचाया या इस्तेदाद दी, इस्तेदाद दी, तो इसके मुजरिमों को बेनकाब करेंगे, उन्हें सजाएं देंगे। फिल वक्त तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सकूते ढाका को, जिसे हम आज मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश क्यों बना? एक तो बड़ा ही आम फहम कॉमन नैरेटिव है, जिया के दौर में करोड़ों बार अखबारात में लिखा गया, कहानियां छापी गई और कहा गया, वो ये है कि वजीर आजम भुट्टो की आवाज बहुत गरजदार थी। वजीर आजम बनने से पहले भी वो जब गरज कर बोलते थे तो अफवाज पाकिस्तान या पूरी दुनिया की टांगें कांपना शुरू हो जाती थी। 90,000 अफवाज पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान के दिफा के लिए जोश जज्बा और हिम्मत और जनून के साथ जंग कर रही थी। करीब था कि वो कलकत्ता पर कब्जा कर लेते, करीब था कि इंडियन फौज हथियार डाल देती। अचानक जुल्फकार अली भुट्टो गरजे और उन्होंने कहा, इधर तुम उधर हम। उनकी आवाज इस कदर गरजदार थी कि 90,000 फौजी मैदान जंग में उनके हाथ शैल हो गए, उनकी टांगे उनका बोझ उठाने के कासिर हो गई, और वो इस कदर शदीद रंजो गम का शिकार हुए कि हथियार डालने पर मजबूर हो गए। इंडिया के फौजी आए रंजो गम में मुबतला पाकिस्तानी 90,000 अफवाज पाकिस्तान को कैद बना लिया और मशरकी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रख दिया। यह एक इंतहाई आसान नैरेटिव है। अगर आप इसकी टोपी अपने सर पर पहन लें तो अगले 200 साल आपके बालिग और बाशऊर शहरी बनने का इम्कान खत्म हो जाता है। आप रोबोट बन जाते हो, रियासती इदारे आपको जिस मर्जी गली में, चौक में नचाते चले जाएं, आपके बच्चों का शिकार करते चले जाएं, आपके बड़ों को सजाएं दें, मिसिंग बनाएं और अल्टीमेटली मशक शुदा नाशें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बरामद हों, आपको कभी तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप रियासती बयानिया से हट गए और मेरी तरह दूसरा रुख की बात करने शुरू कर दी, अगर आपने सोचा कि इस कहानी का कोई दूसरा रुख भी होगा, और दूसरा रुख तो बनाया ही इसीलिए गया है कि यह गौर किया जाए कि जो नैरेटिव हमारे सामने रखा गया है, जो रिटोरिक बयान किया गया है, क्या यह मंतकी है? क्या यह लॉजिकल है? क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के ऊपर फौज की हुकूमत हो, यहिया खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो, इलेक्शन हुआ हो, पाकिस्तान के दोनों बाजुओं में दो अलग अलग सियासी रहनुमा इलेक्शन जीतकर रिटर्न मुंतखब नुमाइंदों के तौर पर सामने आए हुए हो, लेकिन अभी उन्हें इख्तियार मुंतकिल ना किया गया हो और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के पास हर तरह का इख्तियार मौजूद हो, वो ये सोच रहा हो कि अगर मुझे सदर नहीं बनाया जाएगा तो मैं इस इंतखाब को मनसूख कर दूंगा, और इस बात का उसके पास इख्तियार था। इंतकाल इक्तदार वाजे तौर पर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों में था। अगर वो चाहता तो इंतकाल इक्तदार कर देता, लेकिन उसने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। अब इल्जाम लगाया जाता है कि जब उसने कौमी असेंबली का इजलास बुलाया
तो वजीर आजम भुट्टो ने कहा जो वहां जाएगा उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। तो क्या रियासत पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान याहिया खान की बजाय एक रिटर्न, अभी देखें डेजिग्नेटेड, यानी उसे अवाम ने वोट दिया है, उसने भी हलफ नहीं उठाया बतौर मेंबर कौमी असेंबली के, उसके अहकाम की पैरवी कर रही थी? शायद ऐसा नहीं है। बहरहाल हुआ यही कि पाकिस्तानी फौज ने वहां पर हथियार डाले और मशरकी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रख दिया गया। अब हम गौर करते हैं कि जो दो कहानियां हमारे सामने हैं, एक ये कि हमारी फौजी क्यादत की नाअहली की वजह से हम जंग हार गए और जनरल नियाजी को गाली गलौज की जाती है और जनरल नियाजी आखिर दम तक ऊंचा शिमला पहनकर नाकदीन के बकौल बेशर्मों की तरह जिंदगी जिए। कहा जाता है कि जनरल नियाजी हमेशा चैलेंज करते थे कि हथियार डालने के वाक्य पर, शिकस्त के वाक्य पर उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। अब इस मौजू पर भी गौर करना होगा। इसी तरह कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी कैसिंजर कहते हैं कि जंग शुरू होने से एक साल पहले याहिया खान ने उन्हें बांग्लादेश बनाने की जमानत दी थी। अब ये क्या हुआ, इस सब सूरत हाल को हमने गौर करना है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक ग्रैंड डिजाइन के तहत आज यह मानना कि क्या में पाकिस्तान इंडिया के मुसलमानों की डिमांड थी, मैं समझता हूं यह सादा लोही पर मबनी बयानियां है। वक्त गुजर चुका है, पाकिस्तान एक आजाद रियासत है और उसका एक स्टेचर है, पूरी दुनिया में उसके मफादात हैं, यह दुरुस्त बात है। लेकिन क्या साल 1900 में ऐसे ही हालात थे कि पाकिस्तान के अवाम इंडिया से अलग होना चाहते थे? तो शायद ऐसा नहीं था। बहरहाल एक वेव पैदा की गई मजहब के नाम पर, इंडिया को तकसीम करने के लिए मजहबी जनून पैदा किया गया। आज मैं समझता हूं कि ग्रैंड डिजाइनर्स ने यह जनून पंजाब और सिंध में पैदा करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मुसलमानों की अक्सरियत तो मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश में थी, वहां यह जनून पहले पैदा हुआ। अब एक ग्रैंड डिजाइन में मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश की शायद इस कदर जरूरत नहीं थी जितनी मगरबी पाकिस्तान पर थी, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन ज्यादा अहम थी, इसकी जरूरत लोगों को बाद में भी पढ़ना थी। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के अवाम, बांग्लादेश के मुसलमान अवाम जज्बाती होकर मगरबी पाकिस्तान की कश्ती में खुद छलांग लगाकर बैठ गए थे और मशरकी पाकिस्तान वजूद में आ गया। पाकिस्तान के खालिक, पाकिस्तान को बनाने के प्रोग्राम के शुरकाएकार का ये ऐसा कोई ग्रैंड डिजाइन में हिस्सा नहीं था, शायद ऐसा सोचा नहीं गया था। उसकी सबसे बड़ी मिसाल 1948 में ही हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की जिंदगी में सामने आई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना खुद गुजराती थे, सिंधी जुबान बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। कुछ लोग ये दावा करते हैं या नाकदीन ये कहते हैं कि उन्हें ना उर्दू बोलनी आती थी ना उन्हें उर्दू जुबान की बाबत मालूम था, लेकिन किसी भी वजह से उनके दिमाग में यह एक टेप चलाई गई कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान होगी। अब इस बात को, चूंकि पंजाब तो कबल अस पाकिस्तान से उर्दू जुबान का प्रमोटर था, यहां तो ठंडे पेटों बर्दाश्त किया गया और उर्दू शायरों को, उर्दू लिखारियों को, उर्दू में तख्लीक करने वालों को कौमी शोरा के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। लेकिन शायद उर्दू का जुनून पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और सबसे ज्यादा बांग्लादेश में नहीं था। बंगाली जुबान हजारों साल पुरानी जुबान थी, सिंधी के बराबर कदामत रखती थी और पंजाबी और पख्तून जुबानों की हमसर थी। बंगाली जुबान में नोबेल इनाम भी हासिल किए जा चुके थे और बैनुल अक्वामी दुनिया में उसका एक मकाम भी था। मगर क्या में पाकिस्तान के बाद हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने ढाका में जाकर कहा कि आप सब गूंगे हो, आपकी जुबान जहालत की जुबान है, आपकी जुबान लगव जुबान है, फजूल बात। ये बातें उन्होंने कही नहीं, मगर उनकी तकरीर का यह मतलब बंगाली अवाम ने लिया और आप लोग उर्दू बोलना सीखो ताकि आप एक तरक्की याफ्ता कौम बन जाओ या शाइस्ता पहचान आपकी बन जाए। हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिना बैरिस्टर के तौर पर बहुत ज्यादा कामयाब होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि समाज की बुनत को, टेक्सचर को और तारीख को, मुआशरत को समझने की गलती कर गए और यह गलती संगीन तरीन गलती साबित हुई।
बंगला जुबान का इल्मी असासा भी शायद उर्दू जुबान से कहीं ज्यादा था। उर्दू जुबान को फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में ही डिजाइन किया गया, बनाया गया। बिना शुबा उससे कबल भी उर्दू की इब्तदाई प्रिमिटिव शक्ल मौजूद थी, लेकिन सच्ची बात यह है कि जितना भी इल्म और अदब तख्लीक किया गया वो फोर्ट विलियम कॉलेज में बनाया गया। उस वक्त बंगला जुबान अपनी तरक्की के आला तरीन मदारिज तय कर चुकी थी। कायदे आजम की इस तकरीर के बाद बांग्लादेश में यानी मशरकी पाकिस्तान में उस वक्त लिसानी फसादात हुए, सिंध में लिसानी फसादात हुए, पाकिस्तान की बुनियाद हिल गई, पाकिस्तान का तसव्वुर या दो कौमी नजरिया जड़ से उखड़ गया। इस बात को आज समझना तज्जिया करना आसान है, उस वक्त शायद ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल बदकिस्मती का अगला स्टेप यह हुआ कि जमहूरियत का इनकार किया गया, बांग्लादेश की अक्सरियत से इनकार किया गया, पैरिटी बनाई गई मशरकी पाकिस्तान के ऊपर, मगरबी पाकिस्तान की कॉलोनी बनाकर हुकूमत करने की साजिश की गई और बंगला आवाम को उनके हकूक देने से इनकार किया गया। जमहूरियत की अदम दस्तियाबी की वजह से मरकज गुरेस उर्दू मुखालिफ, मगरबी पाकिस्तान की अफसरशाही के खिलाफ रुझान पैदा हुए और ये मसाइल 25 साल में बहुत ज्यादा संगीन हो गए थे। अब जंग में क्या हुआ इसके लिए बहुत सारी कुतब बंगला राइटर्स ने लिखी हैं, बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं। बैनुल अक्वामी तहकीकात में पाकिस्तानी अफवाज पर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए गए हैं, अलबदर और अशमस के किरदार पर अंगुश्त नुमाई हुई है और अल्टीमेटली मौजूदा दौर में हसीना माजिद ने अलबदर और अशमस के लीडर्स को सजाए मौत भी दी है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कत्ल वगारत की। लेकिन बहरहाल मामला इस कदर सादा नहीं है, मामला यह भी नहीं है कि फौज के तशद्दुद की वजह से वहां पर बगावत हो गई। असल बात इस बात का एहसास था कि मशरकी पाकिस्तान के अवाम ये सोचने लगे कि मगरबी पाकिस्तान से आने वाले लोग उन्हें इंसान नहीं समझते। बांग्लादेश की फौजी शिकस्त पर और उस जमाना की किरदार कुशी के लिए पाकिस्तान में सबसे मैं समझता हूं कि सॉलिड तहरीर ब्रिगेडियर सदीक सालक की है। सदीक सालक को बुरे वक्त में बांग्लादेश भिजवाया गया, वो उस वक्त मेजर के रैंक पर फायज थे और वो उस वक्त ताल्लुकात आम्मा के ISPR के इदारा से मुंसलिक थे। उन्होंने वहां बदतरीन हालात में ड्यूटी दी। सदीक सालक एक अदबी शख्सियत थे, उन पर एक जाहिल उजड एक रवायती फौजी जो जालम है, जो बुरा है, जो तशद्दुद पसंद है, उसका इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। आज के इस वीडियो में मैं अपना मेन फोकस या सोर्स उनकी किताब विटनेस टू सरेंडर, जिसका तर्जमा मैंने ढाका डूबते देखा को बनाता हूं। अब मेरी फर्दर गुफ्तगू के दो जाविये हैं, एक ये कि हमारे दरमियान मशरकी पाकिस्तान के अवाम के बारे में मेजर सदीक सालिक क्या सोचते थे, मगरबी पाकिस्तान से गए हुए शाइस्ता तरीन ऑफिसर की क्या राय थी, और दूसरा जंग में क्या हुआ था, इनको मुख्तसर बयान करता हूं। मैं पहले अर्ज कर चुका कि मेजर सदीक सालक जब बांग्लादेश पहुंचे तो वो अपनी किताब में अपने तजर्बात बयान करते हैं, वो अपने एहसासात को बयान करते हैं। मेजर सदीक सालिक एक मुहिब्बे वतन मगरबी पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर थे और बांग्लादेश में तैनात बंगाली नजाद फौजी ऑफिसर काकुल अकेडमी से तरबियत याफ्ता थे, यानी दोनों का ओरिजिन एक था, तरबियत एक थी, जहनी और फिक्री सलाहियत एक थी। मगर सदीक सालक जैसा मुहिब्बे वतन इंसान दोस्त तालीमी बैकग्राउंड रखने वाला शख्स क्या सोचता है। कहते हैं मैं बांग्लादेश गया तो मैंने पढ़े लिखे तालीम याफ्ता बंगालियों से मिलने की कोशिश की और ख्वाहिश की। सबसे पहले मैं बांग्लादेश की पाकिस्तान कौंसल ब्राय कौमी यकजहती की ढाका शाख के रेजिडेंट डायरेक्टर को मिला जो बंगाली नस्ल के थे। कहते हैं वो मेरी ख्वाहिश पर मुझे सेंटर की लाइब्रेरी दिखाने ले गए, चलते चलते आर्ट सेक्शन के सामने रुक गए, शेल्फ से एक आला तबात वाली खूबसूरत किताब निकाली बंगाली लहजे और नफरत से, कहने लगे जरा मुलाहिजा हो पिंडी से हमारा हेड ऑफिस हमें क्या भेज रहा है, ये कौमी दौलत का सरासर ज़िया नहीं, क्या कभी किसी बंगाली शायर आर्टिस्ट पेंटर राइटर की किताब भी इस्लामाबाद ने इस तरह से शाया की है। उनकी बरहमी का बायस मुरक्काए चौताई था जिसमें यकताए रोजगार शायर असदुल्ला गालिब के मुंतखिब अशार की मुसव्विराना तर्जुमानी की गई थी। ये किताब जो दोस्त देख चुके हैं उन्हें मालूम होगा
के कसीर जरे कसीर खर्च करके खूबसूरत आर्ट का नमूना बनाकर शाया की गई थी। अब इस सवाल पर बंगाली ऑफिसर के सवाल पर मेजर सदीक सालक को उस वक्त बुरा लगा और उसे यूं लगा कि वो मगरबी पाकिस्तान के कल्चर से सकावत से नफरत कर रहा है। अच्छे तालीम याफ्ता बैकग्राउंड रखने वाले इस फौजी ऑफिसर की ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि गालिब मगरबी पाकिस्तान या सेंट्रल इंडिया के लिए बहुत बड़ा शायर हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर का असासा रखने वाले के लिए गालिब की क्या इल्मी और अदबी हैसियत हो सकती है? अगर वाकई इस्लामाबाद को ऐसी कोई किताब तख्लीक करना थी तो क्या यह मुनासिब ना होता कि रविंद्रनाथ टैगोर की शायरी पर भी कोई इसी तरह की किताब छपवा दी जाती? लेकिन चूंकि बुनियाद गलत हो चुकी थी, लिसानी तासब का शिकार मगरबी पाकिस्तान हो चुका था, उर्दू की मोहब्बत में हम बैक वक्त सिंधी, बलोच, पख्तून और बंगाली पर अपना हक के हाकमियत जता रहे थे, इसलिए ये एक मामूली सा अजियत का इजहार या एहतजाज हमें बुरा लगा, मुल्क दुश्मनी लगा। इससे आगे चलकर मेजर सदीक सालिक लिखते हैं, पाकिस्तान की फिल्मी सनत के बारे में एक आला सती मुजाकरा यहां पर हुआ। यहां की फिल्मी सनत के मफाद में फैसला किया गया कि हकूमत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। अब ये उस ऑफिसर की राय, बंगाली ऑफिसर की राय दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं मार्शल इंतजामिया को मशवरा दूंगा कि हकूमत इस फैसला पर कायम रहे, यानी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में तब्दील करने की कोशिश ना करे और हमारी तरफ दरवाजा खुला रखे। सोचिए तो सही कि आखिर हम अपनी सकाफती काबा से यानी बंगला कल्चर से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। मेजर सदीक सालक कहते हैं कि इस बात पर उस फंक्शन के सदर जो बंगाली थे, जिसकी अपनी वफादारी मशकूक थी, उसने मेरी तरफ मानी खेज निगाहों से देखा और नुक्ता आफरीनी पर सर हिला दिया, यानी इस बात को तस्लीम कर लिया। मैं इस तहरीर को बार बार पढ़ता हूं, इसमें से किसी एक बंगाली की पाकिस्तान दुश्मनी, कायदे आजम दुश्मनी की कोई भी कोशिश निकालने की कोशिश करता हूं, जद्दोजहद करता हूं कि आखिर किसी अजनबी जुबान को, जिसे एक फर्द कायदे आजम मोहम्मद अली जिना अपनी जाति या निजी ख्वाहिश की बिना पर या किसी दीगर वजह पर, बंगला कौम जो मगरबी पाकिस्तान से तादाद में ज्यादा थी पर नाफिज करना चाहते थे, बंगला कौम के किसी नुमाइंदे की यह ख्वाहिश नहीं थी उसकी असेंबली में उसके किसी तरह के किसी अवामी राय की हमायत इसको दस्तयाब नहीं थी, उसके बावजूद मगरबी पाकिस्तान का एक छोटा फौजी ऑफिसर इस बात पर वफादारी को मशकूक समझ रहा है। आगे मेजर सदीक सालक एक बंगाली फौजी ऑफिसर कर्नल साहब से मुलाकात का जिक्र करते हैं। कहते हैं, मैं सेंट्रल कमांडेंट के दफ्तर पहुंचा तो वो बाहर चमन में धूप सेक रहे थे। अब इन फौजी ऑफिसर कर्नल साहब को अपनी बंगाली कौमियत का एहसास और मुजीबुर रहमान के जाती कुरब पर फख्र था। वो लान में बार बार पंजों के बल खड़े होकर अपने आप को ऊपर की तरफ खींचते। बजाहिर ये जिस्मानी वर्जिश की उम्दा आदत थी, लेकिन इसके पीछे कोई नफसियाती उलझन थी जो मेरे जैसे 6 फुट के बावकार ऑफिसर की मौजूदगी में उनकी अंदर ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई थी। माहिरीन नफसियात इस बात पर गौर करें कि नफसियाती उलझन का शिकार कौन है। मेजर साहब अपने बॉस यानी कर्नल उस्मानी के पास पेश हुए हैं, वहां पर उन्हें एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं कि बंगाली काला कलोटा सांवला छोटे कद का फौजी ऑफिसर कर्नल घटिया मखलूक है और मैं 6 फुट का खूबसूरत पंजाबी नौजवान, मेरे से ये हसद कर रहा है और रशक कर रहा है और मुझसे हसरत कर रहा है। ये फ्रेम ऑफ माइंड, ये सोच है जिसने इस नफरत को दो चंद किया। पंजाब से जाने वाले, मगरबी पाकिस्तान से जाने वाले तमाम ऑफिसर्स का मिजाज कॉलोनियल था। अब आप तसव्वुर करें कि मिलिट्री सबसे डिसिप्लिन्ड इदारा है, अगर मिलिट्री के अंदर एक मेजर अपने कॉलोनल के बारे में, कर्नल के बारे में ये सोच रहा है, तो सिविल इदारों में जो आर्मी ऑफिसर जाते थे उनका रवैया और उनके अंदर क्या सोच पैदा होती होगी।
आगे लिखते हैं कर्नल उस्मानी, मुनहनी जिस्म पस्त कामत सिन खोरदा शख्स थे। अब तमाम कर्नल प्रमोशन से रोके गए होते हैं तो उनकी उम्र ज्यादा होती है। उनके स्याह चेहरे पर सफेदी का वाहिद निशान मूंछों का गुच्छा था जो उनके रुखसारों के गालिब हिस्से पर फैला हुआ था। कर्नल साहब के देरीना दोस्त मजाक से कहा करते थे कि मूंछों से लटका हुआ शख्स देखना हो तो कर्नल उस्मानी को देख ले। मेजर साहब अपने बॉस की शान में उनकी पस्त कामत होने पर, उनके बंगाली होने पर, उनके रंग नस्ल की बुनियाद पर पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान का इलम दोस्त, लिखारी, ISPR का बंदा जिसकी सलाहियत ही मारूफ मुसन्निफ की है, जिसकी खूबी इलम दोस्त होना है, उसकी सोच अगर ये थी तो लड़ाका यूनिट्स के अंदर मौजूद फौजी ऑफिसर या जवान, मैं कहता हूं कि हवालदार और लांस नायक अपने छोटे कद के बंगाली ऑफिसर्स के बारे में क्या सोचते होंगे और किस तरह से रिएक्ट करते होंगे, क्या यह जानना मुश्किल है। मेरे पास इस वीडियो में इससे ज्यादा बहुत कुछ कहने को है। आप भी इस किताब को पढ़ेंगे तो वेस्ट पाकिस्तान से गए हुए फौजी ऑफिसर के अंदर किस कदर तासब था, किस कदर नफरत थी छोटे कद के लोगों के बारे में, स्यारंगत के लोगों के बारे में, वो उबलती हुई नजर आएगी। बहरहाल अब मैं इस मौजू को छोड़ता हूं। लिसानी तासब की वजह से 71 तक बंगाली ये तय कर चुके थे कि अगर हमसे जुबान छीनी जाएगी, अगर हमें बराबर का तस्लीम नहीं किया जाएगा, अगर हमें छोटा, चमार, गैर खूबसूरत, बुरा, कमजोर समझा जाएगा तो हम साथ नहीं रहेंगे। अब इससे अगला मरहला यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान में फौजी शिकस्त हुई। ब्रिगेडियर सदीक सालक या मेजर सदीक सालक उस वक्त, इनका कहना है कि पाकिस्तान ने किसी वक्त वहां पर जंग नहीं की। और भी फौजी रिपोर्टर्स जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की अफवाज ने मशरकी पाकिस्तान के दिफा के लिए कोई जंग नहीं की। जिस रोज इंडियन फौज कलकत्ता से चली उसी रोज बॉर्डर पर तैनात तमाम यूनिट्स ढाका में जमा हो गई थी। ढाका पर हमला हुआ, बात तवील हो जाएगी, लड़ाई की इजाजत नहीं देगी। और मैं फिर वापस आता हूं हेनरी किसिंजर के बकौल, सदर याहिया पहले से मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की कमिटमेंट कर चुके थे। वहां पर जो जंग हुई शायद वो वहां से असासाजा लीगल और इलीगल तरीके से मुंतकिल करने पर हुई। मगरबी पाकिस्तान से गए हुए ऑफिसर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कैश, गोल्ड या चीजें लेकर वो मगरबी पाकिस्तान पहुंच जाए। जंग का शायद मैं आज कह सकता हूं कि ड्रामा खेला गया। अमेरिका के हुक्म पर इंडिया की साजिश के साथ इंडिया की फौज ने हमला स्टेज किया और पाकिस्तान की फौज ने हथियार डाल दिए। मैं आज ये नतीजा निकाल सकता हूं कि यह फौज पाकिस्तान का इज्तमाई फैसला था, या कम से कम याहिया खान और अपर कैबिनेट का फैसला था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला था। वो अपनी किसी अंडरटेकिंग के तहत मशरकी पाकिस्तान को अलग करने के पाबंद थे जो उन्होंने किया। मुमकिन है कि अगर उस वक्त सदर याहिया रिटायरमेंट का ऑप्ट करते, इक्तदार को छोड़ देते और मुजीबुर रहमान इक्तदार में आ जाते तो शायद अवामी लीडर, मुंतखिब अफराद कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते कि दोनों यूनिट्स का इकट्ठे चलना मुमकिन हो सकता। मगर जब फैसला साजी की सलाहियत ओबे एंड कमांड के पास आती है तो वहां डिबेट नहीं हो सकता। फौजी ऑफिसर हो या सरकारी ऑफिसर हो, वो कभी डिबेट नहीं जीत सकता। डिबेट करना सियासतदान का काम है, वो बचपन से इस काम के लिए महारत रखता है। यह मौका ऐसा था कि जंग में हथियार डालने से पहले एक पॉलिटिकल डिबेट की जरूरत थी, जैसा कि आज कुछ दोस्त कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। बिलाशुबा फौजी ऑफिसर हो या सिविल ऑफिसर हो, उसका एक माइंडसेट होता है, वो हुक्म देता है, ओबे करवाता है। अगर ओबे करने वाला इनकार कर दे तो वो उसे गोली मार देता है या अल्टीमेटली खुदकुशी कर लेगा। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इसके बरक सियासतदान हारी हुई जंग के साथ बदतरीन हालात में, बुरे हालात में भी डिबेट के जरिए अपनी बात को मनवा सकता है, कौम को मुत्तहिद रख सकता है। आज भी वक्त है असगर खान की सेइंग से बचें कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा, हम आगे चलें,
और मैं कहता हूं मोहतरम नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने कहा कि हम दायरों के असीर हैं, उनसे निकल नहीं पा रहे, बार बार एक ही गलती करते हैं। तो मैं आज की आवाज, आज की दरखास्त मुक्तदिर ताकतों से कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करें, सरकारी मुलाजम ये तय कर लें कि वो सरकारी मुलाजम है, मुलाजमत करेंगे, पॉलिसी बनाना, बैनुल अक्वामी तालुकात में महारत रखना, फौज को चलाना, मुल्क की पैदावार को बढ़ाना, तिजारत को फरोग देना, बैनुल अक्वामी तिजारत को फरोग देना, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना, ये फौज का काम नहीं है। 16 दिसंबर 1971 के पैगाम के साथ के तारीख से सबक सीखना चाहिए, दायरों से निकलकर स्ट्रेट लाइन पर सफर करना चाहिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान एक कामयाब मुल्क बन सकेगा। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।